नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। मैं आपको हमेशा ही बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है बंसल जी द्वारा दी गई वीडियो में जानकारी सही है, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है जिस व्यक्ति की अपनी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के ठीक सामने गली की टक्कर आती है, यानी लास्ट एंड की फैक्ट्री है। क्या ऐसी फैक्ट्री खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है, तो भी आप अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास मेरे क्लाइंट का फ़ोन आता है, बंसल जी हमने एक साइट ख़रीदनी है और एक नई फैक्ट्री और लगाने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ही उस साइट को देखना है और फाइनल करना है, क्योंकि जिस व्यक्ति की वो साइट है उस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है और बाहर जाना है। वो फैक्ट्री हमारे मुताबिक बिल्कुल सही है, हमारी वर्किंग प्रॉपर तरीके से उसके अंदर हो जाएगी, हमारे जो काम है, हमारा जो काम का सेटअप है वो उस फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। बंसल जी जितना जल्दी हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे भी समय मिलता है हमारे लिए समय ज़रूर निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि वो फैक्ट्री हमारे हाथ से निकल जाए और वो फैक्ट्री हमें बहुत सस्ती भी मिल रही है, क्योंकि उस व्यक्ति को बाहर जाना है, एब्रॉड जाना है, तो इसलिए वो अपनी सभी प्रॉपर्टियाँ सेल कर रहे हैं। जब मैं वहाँ साइट देखने गया तो वो साइट जो मिली वो इस प्रकार की थी। वेस्ट फेसिंग साइट थी, साउथ वेस्ट की टी पॉइंट आ रही थी। ये पूरा पूरा कंप्लीट एक प्लॉट है और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो ये एरिया कंस्ट्रक्टेड है, बाकी का सारा एरिया कंप्लीट ओपन है। मेन गेट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ से एंट्रेंस है। नॉर्थ ईस्ट में पानी का बोरवेल है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया हुआ है। शेड भी बिल्कुल सही बना हुआ है, शेड का स्लोप भी कंप्लीट साउथ से नॉर्थ की ओर है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल गलत। मैंने अपने क्लाइंट को कहा जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं उसके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा, बंसल जी उन्होंने तो बाहर जाना है इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब से उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है तब से उनको परेशानी आनी शुरू हो गई। बंसल जी क्या हमें ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? मैंने कहा आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आप किस लेवल से उठे थे और किस लेवल पर पहुंचे हैं ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इस साइट पर आने के बाद सारी स्किल्स, सारे लेवल धीरे धीरे करके डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। आपकी और जो फैक्ट्रियां चल रही है, आप इस फैक्ट्री में काम करेंगे तो ये मान के चलिए ये फैक्ट्री आपको प्रॉफिट नहीं देगी। कई बार कहते हैं ना, सस्ता रोता बार बार, महंगा रोए एक बार। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो तो अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, हल्की प्रॉपर्टी ना खरीदें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है वो हद से ज़्यादा परेशान है। आप लोगे आपके साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, पूरी बिल्डिंग नॉर्थ की ओर बनी हुई है, साउथ भी ओपन है, ईस्ट भी ओपन है और वेस्ट भी ओपन है,
और आपका नॉर्थ भी ओपन है, लेकिन नॉर्थ के मुकाबले साउथ में ओपन एरिया ज़्यादा है, ईस्ट में ओपन एरिया ज़्यादा है, वेस्ट में ओपन एरिया कम है, ये अच्छा है। लेकिन जो नॉर्थ में ओपन एरिया कम है ये भी बिल्कुल गलत है, और पूरी की पूरी बिल्डिंग नॉर्थ में बन गई, इसलिए आपको परेशानी आएगी ही आएगी। वो मेरी इस बात से सहमत हो गए, बोले बंसल जी हम इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेंगे, कोई और प्रॉपर्टी देखते हैं फिर विचार करते हैं। तो उनको मेरी बात समझ आ गई। ऐसी आपकी अपनी फैक्ट्री कोई चल रही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, जब तक आपकी फैक्ट्री सेल नहीं होती या आप इसके अंदर कुछ रेमेडीज़ करके अपनी फैक्ट्री को सही कर सकते हैं। सही कितनी कर सकते हैं? जो नुकसान आपको बार बार हो रहे हैं या व्यापार में जो नुकसान कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, वो नुकसान आपका कम होना शुरू हो जाएगा वास्तु के कुछ उपाय करने से। लेकिन देर से फिर आपको भी ये प्रॉपर्टी छोड़नी ही पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि चीज़ गलत होने के बावजूद भी हल्का सा हम वास्तु का उपाय करते हैं और उससे बम्पर बेनिफिट भी आ जाते हैं। वो उस जगह की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उस जगह के अंदर कितनी एनर्जी है। हल्का सा वास्तु उपाय किया और वहीं पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है जगह बहुत अच्छी होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह को कभी भी ना खरीदें। आपके पास कोई प्लॉट ऐसा है और आप उसमें अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसी जगह में बिल्डिंग बनाकर पैसे को ख़राब ना करें, क्योंकि ऐसी जगह में वर्किंग आने के साधन बहुत कम होते हैं, रिजल्ट अच्छे रिजल्ट मिलने के साधन बहुत कम होते हैं। हाँ, आप बैठे हैं, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं है, आप इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं सकते, और इस जगह में आप अपने काम कर रहे हैं, और आप ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी फैक्ट्री को शट डाउन कर दें और ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। एक बार आप अपनी साइट के ऊपर वास्तु सलाह जरूर लें। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपनी डिसीज़न खुद ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, नई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, या ऑफिस बनाने जा रहे हैं, या कोई भी बिल्डिंग आप नई बनाने जा रहे हैं या अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आप हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जरूर मंगवाएं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 425 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। अब मेरी वो सभी वीडियो देख कर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आपको घर बनाना है तो किस प्रकार से बनाना चाहिए, फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं तो फैक्ट्री को आपको किस प्रकार से बनाना चाहिए, आपकी फैक्ट्री बनी हुई है, काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके अंदर क्या बदलाव करें जिससे कि आपकी फैक्ट्री अच्छी जरूर चले। आपका अपना इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। आपकी अपनी दुकान है या आपका अपना शोरूम है, आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा, आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही, तो भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, और मेरी वीडियो देखकर अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताई हैं, और मेरी हर एक वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के उपाय जरूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।